बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत डिलीशियस सी बनती है। आज हम चिकन चीज़ बोटी बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी मैंने बोनलेस चिकन लिए, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। अब पिंच इसके अंदर मैं कल फूड कलर ऐड कर रही हूँ और 1/2 कप इसके अंदर मैं पिटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। आपके पास लेमन जूस हो तो आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 1/2 आवर के लिए इसको हम रेस्ट दे देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो एटलीस्ट 3 to 4 मिनट वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की नई अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सके। थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर और ऐड कर रही हूँ, 1 पिंच थोड़ा सा कलर इसमें कम लग रहा है मुझे। बहुत ही मज़े की लगती है, इसको आप टी टाइम में बना के सर्व करें, मेहमान आए तो खाने के साथ इसको आप स्टार्टर्स के तौर पर सर्व करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है अभी, ताकि अभी इसका दही का पानी छोड़ेगा अच्छा खासा, तो जल्दी से खुश कर लेंगे हम इसे। बहुत क्विक सी रेसिपी बन जाती है ये और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। देखें कितना सारा पानी छोड़ा इसने। फ्लेम हाई रखी हुई है मैंने, इसको थोड़ी देर के लिए हम 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 5 मिनट्स हमारे हो चुके हैं, अब हम इसका पानी बिल्कुल खुश कर लेंगे। पानी बिल्कुल खुश कर लेंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे और फिर हम व्हाइट सॉस बनाएंगे इसके बाद। देखिए अब हम व्हाइट सॉस बना रहे हैं। 1 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर लिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मैंने लो रखी हुई है, इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें खुशबू ना आ जाए। इसको हम भूनेंगे, थोड़ा सा देखें कलर भी इसका चेंज हो जाता है। इसमें मैं 1 1/2 कप जो है मिल्क का ऐड कर रही हूँ इसके अंदर करूंगी और इसका हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स इसके अंदर ना पड़े। इसको आप जल्दी जल्दी चाहे किसी विस्क से चलाएं, कैसे चलाएं आप स्पेच। बस ये ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्स ना आए। वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। देखिए हमारा थिक होने लगा है ये वाइट सॉस। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेडर चीज और मोजरेला चीज मिक्स करी हुई डाल रही हूँ। चेडर चीज से जो है सॉफ्टनेस आती है इसके अंदर और क्रीमी बनता है बहुत ज्यादा। देखिए हमारा व्हाइट सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको भी अलग से निकाल लेंगे।
के बाद हम अपना थर्ड स्टेप करेंगे। डिफरेंट टेस्ट होता है। देखिए अब हमारा थर्ड स्टेप होगा। मैंने वापस से चिकन इसमें डाली है, इसके ऊपर हम ये वाइट सॉस स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। इससे बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका और टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाएगा ये। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद ये मैंने मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करके रखी थी और हम इसको, ये सिर्फ मोज़रेला चीज़ है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हर्ब्स डाल रही हूँ, कुटी मिर्च थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए, देखिए लगाया था मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे लगाया था, देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन चीज़ बूटी बन के तैयार हो चुका है और खाने में दिखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी है ये। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है और मेरे इंस्टाग्राम टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।